नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल गीता के पकवान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ पत्ता गोभी और सूजी डालकर चीला। ये आटा डाल देते हैं, दो तीन कप डालेंगे, थोड़ा रख लेंगे। सूजी डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, तिल डाल देंगे। तिल ना हो तो आप खसखस भी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार मिर्ची डालिए, हींग डालिए, अजवाइन और कलौंजी है, धनिया पत्ती है, एक काली मिर्च है, स्वाद अनुसार नमक, प्याज, पत्ता गोभी जो आधा पत्ता गोभी काटे हैं, मूंगफली बाद में डालेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे तो बाद में कूट कर डालेंगे। आधा दरदरा मूंगफली डालेंगे, पाउडर नहीं बनाएंगे। ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाएंगे। सूजी की जगह में आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं, तिल के जगह में खसखस डाल दीजिए, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। अच्छा लगेगा ये चीला, मूंगफली तिल सब डला रहेगा, सुंदर सुंदर सुंदरपन लगेगा खाने में। चलिए बस देखिए, इतना ही गढ़ा रहना चाहिए। मैं चम्मच से दिखा देती हूँ, चलिए मूंगफली भून लिए हैं। ये देखिए दरदरा मूंगफली है, ये दरदरा मूंगफली है, इसमें ऐसे करके डाल दीजिए और डाल के अच्छी तरह मिलाकर भुस्सा की तरह फैला दीजिए। घोल बना के 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा, थोड़ा सूजी फूल जाएगा तो सेट हो जाएगा। देख लेते हैं, सही लाल करके घी डाल देते हैं। देखिए पत्ता गोभी के चीला तैयार है, वैसे ही करके सारा बना लेंगे। अब इसको निकाल देते हैं। देखिए पत्ता गोभी और सूजी का चीला बन गया, कितना देखिए कितना सॉफ्ट है। देखिए अब बनाइए, अब बनाकर खाइए, खाकर मुझे बताइए आपको कैसा लगा। सॉस के साथ खाइए, हरा चटनी के साथ खाइए, किसी चीज़ के भी साथ, दही के साथ भी खा सकते हैं। सभी का वीडियो डला हुआ है, अब खाइए, अब उसके बाद बताइए कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।